कैपिटल वर्ड्स मीन शिफ्ट दे नाल प्रेस करके ही पैने ने। और इस तो थोड़ा जिहा आपां होर अगे चलीए, इस डिजाइनिंग दे विच एक होर चीज़ निकल के खास आई कि पहला अक्षर जिस तरह कि कक्का के तो और खखा कैपिटल के तो, सेम उस तरह ही गग्गा आई तो और कग्गा कैपिटल आई तो। सो जो रावी फाउंट है इस करैक्टर सैट तो देख के, इस शीट में देख के इस तरह लग रहा है कि टाइप करना कोई बहुत ज़्यादा औखा नहीं होगा तुहाडे लई, क्योंकि बड़ी ईजली तुसीं इस नूं सीख सकते हो। सिर्फ दो या तीन दिन या चार दे विच, मैक्सीमम एक हफ्ता रख लीए, तुसीं इस करैक्टर सैट तुहाडे माइंड में पूरी तरह फिट हो जाएगा और तुसीं उस तो बाद उन्हों बड़े ही ईजली कर सकते हो। आसीस फाउंट की टाइपिंग तुसीं करते रहे हो तो मैनू नहीं लगता कि शायद रावी फाउंट करन च कोई दिक्कत आएगी। मेन चीज़ फिंगरस नूं टिकाणदा सीगा, वो तुसीं इस करैक्टर सैट नूं याद करके बड़ी ईजली कर सकते हो। दोस्तों जिवें कि टाइपिंग करन दा सौखा चीज़ एक बेनीफिट इहदे विच इही है कि जिस तरह ही एक अक्षर पैना कक्का और उस तो ही कैपिटल तो खखा पैना, चचे तो बाद छछा, टैंके तो बाद ठठा, तत्ते तो बाद थत्था और पप्पे तो बाद फुफा। सो इस तरह तुसीं बड़ी ईजली इसनों कर सकते हो। ये तो दोस्तों नॉर्मल गल होगी जिसे नॉर्मल करैक्टर आप टाइप करने हैं, और उस तो बाद लगा मात्रा आ गई कि पैनी है। ऑलमोस्ट जिन्हिया भी लगा मात्रा ने वो ज़्यादातर जड़िया है समॉल लैटर यानी कि विदाउट शिफ्ट ही पैनिया ने। पर एक खास चीज़ जी कि मैं रैड कलर की कीती हुई है वाली, इस बड़े ही ध्यान दे नाल देखना, ये बड़ी काम आने वाली चीज़ है थोड़े। हुण पहला आपां इसे नूं जानिए थोड़ा जा भी आपां इसनों टाइप किवें करना। मैं स्क्रीन ते नूं साइड ते लगा दिना और इसनों बंद करके वर्ड पैड ओपन कर लें जी। लो जी इस शीट नूं तुसीं अगे रख लो, जिस तरह मैं हुण टाइपिंग लई सैट बनाया तुसीं भी इसे तरह टाइपिंग लई अपना सैटअप तैयार कर सकते हो। हुण दोस्तों जिहड़ी मेन चीज़ सीखने वाली सीगी, नॉर्मल जिहड़े करैक्टर्स ने सारे तुसीं टाइप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा एड़ा एड़ी सस्सा सारा लिखा होया हुण तुसीं टाइप करना है। मेन प्रॉब्लम आती है जिते तुसीं कोई सैंबल यूज़ करते हो नाल, कोई लगा मात्रा यूज़ करनी है। हुण जिवें कि आपां इहदे विच इस लिखना है, असीस फॉन्ट विच की हुंदा सी पहला सियारी पाउंदे सी फिर ईडी और फिर सस्सा, पर रावी एक इहो जी लैंग्वेज है जिवें वह बोली जाती है उवें ही लिखी जाती है। मतलब जे आपां बोलना होवे कि इस किवें बोलांगे, ईडी नूं सियारी सस्सा, इहदा मतलब ईडी नूं आपां पहलां बोलदे हां, उहदी लगा मात्रा नूं बाद विच बोलदे हां, फिर आपां सस्सा पाउंदे हां। सेम उही प्रोसैस इहदे विच वी आपां करना। हुण आपां जी इस दे विच लिखांगे इस ईडी, ईडी नूं सियारी सस्सा। पर एक गल याद रखनी है जे तुसीं इहदे विच जिहड़े वॉवल्स ने जिस तरह कि ऊ आ एंड ई, उन्होंने तुसीं लगा मात्रा बाद विच नहीं पाउणी, पहला ही तुहानूं उन्होंने बना के दित्ती हुई है उस तो तुसीं यूज़ करना है। जिवें कि ईडी नूं सियारी एफ तो पैंदा है, तुसीं सिंपली कैपिटल एफ और उस तो बाद सस्सा पैंदा जी एम तो एम प्रेस कर दिता। हाँ अगर जे तुसीं सियारी किसी होर करैक्टर नूं पाउणी चाहुंदे हो, दिस पाउणा उहदे लई प्रेस करदे हां जी आपां ओ, क्योंकि दद्दा ओ तो पैना। और उस तरह ही सियारी तुसीं इसे शीट विचों देख लो कितों पैनी है जी, एफ तो सियारी बन गई। उस तरह फिर सस्सा जिहड़ा हैगा जी अपना एम तो सीगा, एम पा देना। सो इस तरह इस लैंग्वेज नूं रावी फाउंट नूं इस शीट ते जरिए लिखना बड़ा ही सौखा हो जाएगा। तुसीं की करना जदों प्रैक्टिस करनी है इस शीट नूं, जिवें कि मैं तुहाडे सामने खोल के रख्या होया, इस तरह ही तुसीं स्क्रीन ते नूं ओपन कर लेना। एम एस वर्ड एक साइड ते ओपन कर लो, एक साइड ते ये शीट ओपन कर लो, कोई भी पैरा चाहे न्यूज़पेपर लै लो, कोई मैगजीन लै लो, उन्हूं देखो और उसनों टाइप करो। पर इहदे विच खास चीज़ जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां दस्सन जा रहा सीगा कि ये रैड कलर का जो करैक्टर किया है ये क्यों किया हो, मैं इहदी बड़ी खासियत है जी। खासियत इहदे विच की है कि कोई भी अक्षर जो तुसीं पैर दे विच पाउणा चाहुंदे हो इसे करैक्टर नाल पै जाणा, उहदे लई तुहानूं डिफरेंट तो किसी करैक्टर नूं फाइंड करन दी जरूरत नहीं पैणी। मेन जो अगले अक्षर आ जी आपां पैर दे विच रारा, पैर दे विच हाहा, पैर दे विच वाहवा जां जईआ किद्दां पाउणे ने, उहदे लई बड़ा ही सौखा तरीका है। कोई तुहानूं करैक्टर डिफरेंट तो याद करन दी लोड़ नहीं, तुहानूं पता ही है कि रारा वाहवा हाहा जईआ कित्थों पैंदे ने, उहनां करैक्टर तो ही वह पैर दे विच वी पै जाणगे। पर उस दे लई तुहानूं की करना पएगा,
एग्जाम्पल दे लई आपां लैणे कि इहदे विच आपां प्राप्त पाउणा है। प्राप्त शब्द लिखण दे लई आपां नूं किते वी जाण दी जरूरत नहीं है। सब तो पहला नॉर्मल जिवें तुहानूं पता ही है कि पप्पा पैंदा जी एच तों, एच नूं प्रैस करके आपां पप्पा लिखिया, उस तों बाद पैर दे विच रारा पाउणा है। उहदे लई सब तो पहला तुसीं प्रैस करना डी, समॉल डी। हुण तुहानूं स्क्रीन ते इस तरह लग रहा कि शायद इस दे विच रारा पै गया, पर दोस्तों ये रारा नहीं है, रारा इस तो बाद पेगा। वो किवें पैना, इस तो बाद जिवें तुसीं दोबारा प्रैस करोगे रारे वाला बटन जितों रारा पैंदा, यानी कि जे रारा पै चुकिया, फिर उस तरह ही कन्ना ई तो फिर पप्पा और फिर तत्ता। लो जी, ये हो गया प्राप्त। इस तरह कोई भी अक्षर जिहड़ा तुसीं पैर दे विच पाउणा चाहुंदे हो, डी बटन प्रैस करन तो बाद वो अक्षर प्रैस करो, ऑटोमैटिकली वो अक्षर है जिहड़ा पैर दे विच पै जाएगा। उस दे लई वक्खरे तौर ते तुहानूं कोई अक्षर याद करन दी जरूरत नहीं है। अगर तुसीं ये अक्षर सीधे तरीके नाल भी पाउणे चाहो, डायरैक्ट इस ऑप्शन नूं यूज़ कीते, तां उस दे कोड भी जिहड़े नीचे दसे होए ने तुसीं उत्थों भी उहनूं यूज़ कर सकते हो। पर यह बैटर है तुसीं जो नॉर्मल करैक्टर सैट तो ही टाइप करो तो ज़्यादा वधिया, क्योंकि उहदे विच तुहानूं की है टाइपिंग करनी सौखी हो जाएगी। दोस्तों, ये पूरी PDF है जिहदे विच मैं सारा दस्या होया कि कहड़े कहड़े करैक्टर कितों कितों पैने हैं। तुसीं इस PDF की हैल्प लैके टाइपिंग बहुत ही अच्छे नाल सीख सकते हो। दोस्तों, ये तो हो गया एक नॉर्मल करैक्टर सैट कि जिवें आपां एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस तरह ही आपां इहदे विचों टाइप करना है, और टाइप करके करैक्टर स्क्रीन ते आपां नूं दिखाई दे जाणगे। पर एक खास गल, कुछ करैक्टर्स इहदे विच इस तरह के ने जिहड़े डायरैक्टली नहीं भी पैंदे, पर वो दसण तो पहला मैनूं एक होर गल याद आ गई जिहड़ी तुहाडे नाल मैं सांझी करनी चाहूँगा, वह है बिंदी वाली। दोस्तों, कई इस तरह के अपने कोल अक्षर ने जिन्हां दे पैर दे विच बिंदी पैंदी है, उहदे लई भी तुहानूं कोई वक्खरे तौर पर अक्षर याद करन दी जरूरत नहीं है। मैं इस नूं प्राप्त लिखिया नूं कट्टिया, देखो इहदे विच जिहड़ी बिंदी है, बिंदी दो तरीक्यां नाल पैंदी, जां तां उपर पैंदी जां थल्ले पैंदी है, और दोनों कित्थों पैणियां ने उस स्क्रीन ते तुहानूं दिखाई दे रही है। एक तां पैणी है कैपीटल X तों उपर वाली साइड, और स्किर ब्रैकट जिथे बंद हुंदी है उत्थों जिहड़ी हैगी है थल्ले वाली बिंदी पैणी है। अगर तुसीं किसी भी अक्षर ते बिंदी पाउणी है, मान लो कि लल्ले नूं बिंदी पाउण लग गए, आपां इत्थे प्रैस कीता लल्ला, ये बिंदी पाउणी चाहुंदे हां जिहदी आपां जितों ब्रैकट बंद हुंदी है स्किर ब्रैकट, वो प्रैस कीता मैं, लल्ले नूं बिंदी पै गई। इस दे लई वक्खरे तौर ते जो करैक्टर N दस्या होया उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी जी स्पीड घटेगी। जिन्ने ज़्यादा करैक्टर तुसी माइंड में बिठाने की कोशिश करोगे उन्ना कंफ्यूज हो जाओगे। सो इस तरह ही जिते कि तुसी बिंदी लगानी चाहते हो, जिहड़ी उपर या थले लगानी है, वो अक्षर प्रैस करो, उस अक्षर को प्रैस करन तो बाद बिंदी उपर या नीचे जिते लगानी है वो अक्षर प्रैस कर दो, बिंदी ऑटोमैटिकली उत्थे प्रिंट हो जानी है। सैकंड जिहड़ी हैगी सस्से पैर बिंदी, जो ज़्यादातर यूज होंदी है, वो भी आप देख लें किस तरह पानी है। नॉर्मल M तो सस्सा पैंदा, ये तुहानू पता ही है। हुण इहदे विच आप बिंदी लगानी चाहते हैं, बिंदी लई जिवें कि तुहानू नीचे दिखाया सीगा इहदे विच X जां जिथे ब्रैकट बंद हुंदी है वो आपां इहदे पैर विच बिंदी पाउणी है, जितों स्केयर ब्रैकट बंद हुंदी है उहनूं मैं प्रैस करदा, पैर विच बिंदी ऑटोमैटिकली सैट हो जाणी है। तुहानू वक्खरे तौर पर किसी करैक्टर नूं याद करन दी जरूरत नहीं है। इस लई ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਇਸੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਹੈਸ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡਸ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਬੋਰਡ ਰੋ 3 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ,
न्यूमेरिकल की पैड है जो कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल की पैड है राइट हैंड साइड पे, उस जो कोड है तुसीं उत्थों प्रेस करना है, उस नाल जिहड़ा ये डिजिट है जां तुहाड़ा जिहड़ा करैक्टर वो प्रिंट होएगा। और इस दे विच दोस्तों होर भी सैंबल्स इस तो जो एक्स्ट्रा ने यूज होंगे ने उहदे बारे भी मैं इत्थे इनफॉर्मेशन दित्ती हुई है, तुसीं इत्थों देख के उन्होंने भी टाइप कर सकते हो, इहदी हैल्प लै सकते हो। और उस तो नीचे बनया है रावी फॉन्ट कीबोर्ड का करैक्टर मैप, जो कि कीबोर्ड के उपर अक्षर किमें दिखने ने ये तुहाड़े लिए स्पैशली डिजाइन की गई ये भी चीज़, जिदे विच सारा दस्या गया है कि कहड़ा अक्षर कितों किमें और उसनों किमें आपां जिहड़ा उत्थों यूज़ करना। तो सैंबल तुहाड़े जिहड़े अलट नाल प्रेस होकर पैने है वो ये इनक्लूड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड मैप है जिदे विच नॉर्मली रावी फॉन्ट की जो करैक्टर्स ने कितने कितने सैट आ वो दिखाए गए हैं। दोस्तों अगर तुसीं इस पीडीएफ नूं डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पीडीएफ नूं डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करन दे लई तुसीं www.tipsandtricksfts.com नूं विजिट कर सकते हो। और अगर तुसीं व्हाट्सएप और फेसबुक दे विच ज्वाइन हो, साढ़े जो SSSB पंजाब दे ग्रुप चल रहे हैं अगर तुसीं उहदे विच ज्वाइन हो तां उहदे विच भी तुहानूं ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और जे तुसीं उहनां ग्रुप्स नूं ज्वाइन भी करना चाहते हो तां डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया, तुसीं उत्थों क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइनिंग प्रोसैस नूं जे पूरा समझना चाहते हो तां उस दे लई मेरी जो लास्ट वीडियो बनी हुई है उसनों देख सकते हो, जां उपर जो स्क्रीन ते आई दा साइन आ रहा है उसनों क्लिक करके तुसीं डायरैक्टली उस लिंक दे उपर जा सकते हो और व्हाट्सएप जां फेसबुक ग्रुप्स ने जिहड़े उन्हां नूं ज्वाइन कर सकते हो। इन्हां ग्रुप्स दे विच गर्ल्स दे लई वक्रे तौर ते ग्रुप भी बनाए गए हन, जेकर गर्ल्स उन्हां ग्रुप्स नूं ज्वाइन करदियां ने तां एडमिन नूं रिक्वेस्ट करके अपने गर्ल्स वाले डिफरेंट ग्रुप विच भी जा सकदियां ने। लास्ट विच दोस्तों तुहानूं ये मेरी वीडियो किस तरह की लगी अपने कमेंट्स बॉक्स के जरूर दिओ। अगर तुहानूं मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसनूं लाइक जरूर करो जी। जेकर तुसीं अजे मेरे इस यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, तां जो आने वाली जिहड़ियां नई वीडियोज़ ने तुहाडे कोल सब तो पहलां तुहाडे मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचदियां रहन। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नवीं वीडियो के नाल।